नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका वाराणसी गाइड में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं। से बनारस में देव दिवाली के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। आज के दिन पूरे विश्व से लोग बनारस चले आते हैं। सुबह के समय स्नान करते हैं और बनारस के विभिन्न शिवालय में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। और शाम के समय बनारस के घाटों पर प्रसिद्ध जो गंगा आरती होती है, आज विशेष करके दशाश्वमेध घाट तथा राजेश प्रसाद घाट पर महागंगा आरती होती है, जहां 11 और 21 पंडितों के साथ द्वारा गंगा आरती की जाती है और पूरे बनारस के घाटों को सजाया जाता है। बनारस के 84 घाटों पर दीयों से और देख सकते हैं लाइट से सजाया गया है। काफ़ी भीड़ होता है बनारस के घाटों पे आज के दिन, और आज के दिन नाव से घूमने का अलग ही आनंद होता है, क्योंकि आप नाव से पूरे घाटों को का दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ही आपका बनारस का दिकपटिया घाट है, उसके बाद पांडे घाट, इन सभी घाटों को बहुत सुंदर से सजाया गया है, दिए जलाने चालू कर दिए गए हैं, और आप सबका लुफ्त उठा सकते हैं आज के दिन। तो काफ़ी बनारस का प्रसिद्ध त्यौहार है। आप हर वर्ष दिवाली के 15 दिन बाद इसे मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है इस त्यौहार को देखने के लिए, जैसे मानो पूरा शहर बनारस और यहीं आ गया हो। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध किए थे, तो सभी देवतागण यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहीं पर स्नान करके और दिए जला के उत्सव मनाए थे। इसीलिए इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आप देख सकते हैं देव दिवाली मनाया जाता है। और सब मान्यता है कि सभी देवता इस दिन काशी में आके दिवाली मनाते हैं, तभी से इसका नाम देव दीपावली पड़ गया। आप भी आइए और इसका आनंद उठाइए, नाव से घूमिए और घाटों पे वॉक कर भी सकते हैं, वॉक भी किया जा सकता है, वॉक करते हुए भी आनंद ले सकते हैं। ये काफ़ी फेमस त्यौहार है बनारस का, और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए। पूरे होटल्स फुल हो जाते हैं, घाटों पे अच्छे से सजावट की जाती है, और सुबह के समय ये तो हालांकि कार्तिक जो महीना होता है हिंदू धर्म में बहुत विशेष इसका महत्व है। इस ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति हर दिन नहाकर और भगवान की आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी उसकी इच्छाएं होती है, भगवान उसको पूर्ण करती है। और काशी तो वैसे भी सबसे न्यारी और सबसे सुंदर काशी है, तो आप भी एक बार जरूर काशी में आए और इस प्रसिद्ध और सुंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का आनंद उठाएं। और जैसे ऐसे लगता हो जैसे इस दिन स्वर्ग काशी में हो, तो स्वर्ग और काशी में कोई अंतर नहीं लगता, जैसे स्वर्ग स्वयं खुद ही काशी में उतर आया हो। और काफ़ी सुंदर ही पूरे घाटों को सजाया जाता है, काफ़ी संख्या में नाव। वीडियो को देख के एक बार जरूर देव दिवाली पर बनारस आए और इस त्यौहार का लुफ्त उठा सकें। इसके बारे में और देव दिवाली के बारे में जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आपका ट्रिप प्लान भी मैं कर सकता हूँ।
क्या हो रही है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो।